नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम दिल्ली के पॉश एरिया लोदी रोड में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत सी इमारत है और गंगा जमुनी तहजीब भी सिखाती है। हम मौजूद हैं इस्लामिक सेंटर। क्यों मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव, सिखों के पहले गुरु, उनका प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 553वां प्रकाश पर्व है और हर साल की तरह इस बार भी जो धूम है वो दिखाई दे रही है। बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ जो पर्व है यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर कई नामचीन हस्तियाँ मौजूद हैं और नामी हस्तियाँ हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सभी से मिलवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत शाम। तो आज हम आ पहुँचे हैं इस्लामिक सेंटर, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बखूबी यहाँ पर सादर सत्कार के साथ तमाम जो बड़े चेहरे और नामी लोग पहुँचे हुए हैं उनका आभार प्रकट किया जा रहा है, साथ ही साथ उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश पर्व की धूम देखते ही बनती है। अनेकता में एकता, कौमी एकता और एक खास संदेश जो गुरु नानक देव ने दिया था कि इंसानियत सर्वोपरि है, इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए और सबसे पहले हाथ बढ़ाकर लोगों की मदद करनी चाहिए, वो खूबसूरत नज़ारा इस्लामिक सेंटर में दिखाई दे रहा है। और हर साल इस्लामिक सेंटर में तमाम त्यौहार इसी तरह से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। देखिए, ऐसा है, आप सब जानते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर हम लोग सारे त्यौहार मनाते हैं। आज चूँकि हम गुरुपुरब मना रहे हैं, गुरु नानक जी का बर्थडे होता है, तो हम लोग हर साल इस तरह से मनाते हैं और बड़े जोश के साथ मनाते हैं। आप देखते हैं कितने सारे लोग आते हैं। हम हर त्यौहार को ये कोशिश करते हैं कि सारी कौम के लोग जो हैं वो आएँ, सारे मज़हब के लोग यहाँ पर आना चाहिए, हर सेट के लोग यहाँ पर आने चाहिए, एक दूसरे से मिलें, बैठें, बातचीत करें, और इसका एक अच्छा मैसेज आता है, लोगों को खुशी भी होती है यहाँ पर आने में। अभी अभी मुझे अपने सजा भाइयों ने बताया कि हमें यहाँ के बड़ा चैन मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है और बहुत सुकून मिलता है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, इस मौके को भी हाथ से खोना नहीं चाहिए। जब भी इस तरह के मौके आएँ, हम लोगों को सर से सर जोड़ के बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, एक दूसरे के त्यौहार को इज्जत देनी चाहिए, मज़हब को इज्जत देनी चाहिए, अपने मुल्क के भले के लिए दुआ करनी चाहिए। और जब मिलजुल के बैठते हैं तो ये लगता है कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक ही रहेगा। एहसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रकाश पर्व का खास उत्सव आज मनाया गया, 553वां। गुरु नानक देव जी को लेकर ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है हर साल इस्लामिक सेंटर में बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और जो कौमी एकता है सर वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का एक उद्देश्य ये है कि सभी धर्मों को आपस में जोड़ा जाए, सभी जाति और संप्रदाय को जो सब हिंदुस्तान में पाए जाते हैं उनके त्यौहारों को एक दूसरा मनाए, क्योंकि सब लोग अपने अपने त्यौहार को तो मनाते हैं मगर दूसरे के त्यौहार को मनाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे उसके बारे में पता चलता है और एक कौमी यकजहती का मैसेज जाता है कि हम सब लोग एक हैं। धर्म भले ही अलग हो सकता है मगर सब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखते हैं। तो उसी की कड़ी में आज गुरु पर्व का प्रोग्राम था, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिवाली का प्रोग्राम किया था, अब 27 दिसंबर को क्रिसमस का प्रोग्राम है, उससे पहले ईद का हुआ था, होली का हुआ था। तो इसी तरह से सारे धर्मों का मकसद ये है कि उनको जोड़ा जाए और हिंदुस्तान का जो एक मैसेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो अब्रार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी है इस्लामिक सेंटर के। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रकाश पर्व यहाँ रखा गया है, सर को कितनी खुशी है उसकी और कैसा महसूस करेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, 553वां प्रकाश पर्व, इतने सालों से जो कौमी एकता है दोनों धर्मों में वो हम देख रहे हैं, आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, एक तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मौके पे, और देखिए कि एक जज्बा है, एक मौका है, और जो हालात हैं जो मैंने अपने स्पीच में भी दिया, जो हिंदुस्तान के हालात हैं या दुनिया के हालात हैं, आजकल हमें मिलजुल करके और जो गंगा जमुनी तहजीब है एक दूसरे से मिल करके, वही हम लोगों ने एक दिया जलाया है और हम कोशिश करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे
आपके माध्यम से कि ये जो जज्बा है, जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, उसकी आज बहुत रेलिवेंस है। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले मैं कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ, ये हर साल हमें बुलाते हैं, एक अच्छे त्यौहार मनाते हैं। इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि गुरु नानक साहब के 3 उसूल थे, 1 छको कीरत करो, उसी तरह सानू चाहिए उन्हों की गुरु महाराज को यही श्रद्धांजलि कि असी उन्होंने चलीए, और अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे असी सारे एक हाँ, एक ह्यूमनिटी का मैसेज देना चाहिए है। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर गुरु साहब ने, जिसले लोग पुराने जमाने के अंदर होंदा सी सूरज नू दे रहे सन ते उल्टा उन्होंने हरिद्वार ही पानी देने लगे, वो कहंदे ने ब्रह्मा तो निकलो, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो। वही चीज़ इत्थे इस कुरैशी साहब का मैं शुक्रगुजार हाँ, ये सारे नू जोड़दे ने और सारे नू एक प्रोग्राम एक लैवल ते लियांदे ने, हर धर्म नू मनांदे ने। सर 553 वाह, आज उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इतने सालों से जो सिख कौम है लगातार इसको मनाती आ रही है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हर साल ये त्यौहार बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से मनाया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप कौम को? इट्स अ वेरी सेक्युलर मैसेज गोइंग टू द इंडिया वर्ल्ड एंड द पीपल और सिटीजंस एंड इंडिया इज नॉट अ commonwealth country, it's a message that should be there that all citizens are Indians, Muslims, Sikhs, Christians are part of India. We should not call ourselves Sikh only, Muslims only, we should say we are Indians, that is the way America says, we are Americans. So the same message is the Islamic center is giving to the world, that we are also a part of the community between Indian, and we are enjoying the celebration with the Sikh world together with our world. मतलब देखा जाए तो जो गुरुदेव जी ने संदेश दिया उसका पूरा असर जो है अब दिखाई दे रहा है। ये देखिए कि हमारे गुरु नानक देव जी की कोई भी फोटो देखेंगे आप, एक साइड बाला एक साइड मर्दाना, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से ही मैसेज यही दिया है कि हम संग में चलेंगे लाइफ में। जो एक हमारी कौम ने एक मैसेज दिया 553 साल में, डेट उनके साथ में बाला होता था जो करते थे म्यूजिकल, और मर्दाना जी होते थे। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। मैडम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप सब लोग तशरीफ लाए और यहाँ पर तमाम सब लोग आए हैं, तमाम सरदार लोग आए, उन्हीं का हमने आज ये प्रोग्राम रखा था गुरुपुरब का। और ये प्लेटफॉर्म हमने एक ऐसा बनाया है कि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आपस की फीलिंग है अंदरूनी, कोई बंटवारा नहीं, हम सब एक हैं, हर मज़हब का हर इंसान एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, क्रिश्चियन हो। इसीलिए हम यहाँ क्रिसमस का प्रोग्राम भी बनाते हैं जो कभी अगले 27 को हम लोग करने जा रहे हैं, और इसका मकसद सिर्फ मैसेज यही है कि हम सब लोग मिलकर हैं, हिंदुस्तान हम सब लोगों का है और हमें आपस में प्यार रखना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का हमने शुरू से यही रखा कि यहाँ पर सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहें और आपस में प्यार बना रहे। गुरु नानक देव जी का 553वां जो जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में हमने एक खास प्रोग्राम रखा, और कई सालों से हम देख रहे हैं कि करे आ रहे हैं, जब सिख भाई यहाँ जुड़ते हैं, जब मुसलमान भाई जुड़ते हैं, तो कैसा महसूस होता है? नहीं, हम सब जो है हिंदुस्तान जो हमारा एक ऐसा यहाँ पर कल्चर है कि हम सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं, भले ही हमारा जो है दीन और धर्म कोई भी हो, लेकिन हम सब भाई हैं। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है इसके बनने का एक सबसे बड़ी वजह ही ये थी, और फिर उसको जिस तरीके से जो हमारे सदर साहब रन कर रहे हैं, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनकी टीम रन कर रही है, तो उसका मकसद यही था कि हम सब मिलकर जो है बैठेंगे, हम सब मिलकर जो है अपने त्योहारों को मनाएंगे, अपने फेस्टिवल मनाएंगे, क्योंकि हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है वो उसी की तरफ जो है चलती है, और उसका सही तरीके से अगर कोई मरकज़ है, कोई सेंटर है, तो हमारा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है। यहाँ पर हमारे कोई भी तीज है, त्यौहार है, वो सब बहुत ही पुरखुलूस तरीके से हम यहाँ मनाते हैं। हम यहाँ होली भी मनाते हैं, हम यहाँ दिवाली भी मनाते हैं, एक्समस के बारे में जैसा अभी उन्होंने फरमाया 27 दिसंबर को है, ईद मिलन का भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है, तो सब हमारे सब त्यौहार यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मनते हैं और बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते हैं, और यहाँ पर सब आकर एक से दूसरे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है और ये इंशाल्लाह यहाँ पर बरकरार रहेगा। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी आवाम को? नहीं, मेरा तो अपने 140 करोड़ जो हमारे हिंदुस्तान की आवाम है उससे मेरी यही अपील है कि हम सब एक मिलकर और बहुत ही यूनिटी के साथ रहें, और हम जो है फिर तभी विश्वगुरु बन सकते हैं जब हम एक होंगे और नेक होंगे। आज
सबका स्वागत करते हुए सिराजुद्दीन साहब ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान का नाम गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले लिया और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का नाम गुरु नानक देव जी ने दिया। सर, प्रकाश पर्व इतना बड़ा त्यौहार और इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ही हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक गुरु नानक जी का संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज हम 553 गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व इंडिया इस्लामिक सेंटर पर मना रहे हैं। यहाँ की ये है बात कि इन्होंने सब धर्मों को जोड़ा है। मुसलमानों का होगा तो ईद मिलन होता है, हिंदुओं का होगा तो होली मिलन होता है, दिवाली मिलन होता है, जब सरदारों का आता तो हम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं, और जब क्रिसमस आती है तो क्रिसमस के ऊपर मनाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आप यहाँ देखोगे एक छोटा सा गुलदस्ता बनाया, इसमें सब मज़हब के लोग हैं। वो गुरु नानक का भी जब भी मैसेज है वो अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो गुजिया कौन भले को मंदे। वो गुरु नानक ने तो मैसेज ही यूनिवर्सल ब्रदर उनका दिया। पहले तो मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपकी जो स्माइल है वो ये बता रही है कि आप यहाँ आकर बहुत खुश हैं, तो आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं गुरु नानक जी के बर्थडे पे यही बोलना चाहूँगी, गुरु पूर्व पे, कि उन्होंने जैसे रोशनी फैलाई ज्ञान की भी और खुशी की, यही रोशनी हम सब लोग भी फैलाएं। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोग इतनी खुशी से बुलाते हैं और इतने आदर सम्मान के साथ बुलाते हैं कि हमें हमेशा आना पड़ता है। मैम, ये जो गंगा जमुनी तहजीब हमें यहाँ दिखाई देती है, आप कहीं भी जाती हैं इस जगह को महसूस कर पाती हैं? जी, ये तो यहाँ पे बहुत सालों से बरसों से चल रहा है। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं हमदर्द में काम करती हूँ और हमारे हकीम साहब भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते थे। ईद मिलन होता था, होली मिलन, दिवाली मिलन, सब फेस्टिवल्स को उतनी ही शिद्दत के साथ मनाते थे। हमने इस प्रकार के कई पर्व उनमें शामिल हुए हैं, और क्योंकि मैं पंजाब के कपूरथला के परिवार से आती हूँ और हमारे माता पिता और हमारे परिवार में गुरु नानक देव जी हमारे पहले गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक। और जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो खुद थे वे एक पारिवारिक व्यक्ति थे, हाँ, और वो शादीशुदा थे, उनका परिवार था, उनके बच्चे थे, और फिर भी वो खेती कर करके बहुत गरीबी हालत में अपने परिवार को पालते थे। तो उनका ये मानना था कि जन्म तो जो होता है वो तो अपने हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु जब हम हमारा जन्म हो जाता है तो हमें सर्वधर्म सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म हो, हमें सबको मिलकर एक साथ रहना चाहिए। तो तभी इस गुरु नानक देव जी को जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर मौजूद हैं, इतना बड़ा मौका है, इतना खुशी का मौका है, क्योंकि गुरुदेव सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, वो सभी के गुरु थे और सभी धर्म को, सभी जात को एक मानते थे, और इससे ऊपर उठ के उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए हैं। हम देख रहे हैं कि इस्लामिक सेंटर में गुरु पर्व इतने धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, आप कैसी खुशी हो रही है, आपके कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है गुरु जितने भी धर्मों के हैं उन्होंने हमें इतना अच्छा पाठ पढ़ाया है कि उन्हीं की बदौलत हम आज तक उनको मानते हैं और यही उन्हीं की शिक्षा को आगे फॉरवर्ड करते हैं कि भाई हमें बनना चाहिए जैसा, और कोशिश भी सब करते ही हैं, ऐसा नहीं है, बट वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जन्म हुआ है उनका, हमें बहुत खुशी है। वैसे ही हमारी हिंदुस्तान की इतनी पावन धरती है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गुरु हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, और हमें बहुत गर्व है कि हम सिख गुरु जी को मानते हैं सब यहाँ पर। 553वां प्रकाश पर्व इतने सालों से कौमी एकता चली आ रही है और इस्लामिक सेंटर हर साल इसे सेलिब्रेट करता है। देखिए, ऐसी रूहानी शख्सियत जिसने सारी कौमों को एक जगह जोड़ने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, और उन्होंने एक ऐसा संकलन करके गुरु ग्रंथ साहब के रूप में सिखिज्म को दे दिया जिससे आज पूरी दुनिया फैजयाब हो रही है, और हम लोग उनको बुला के यहाँ इस्लामिक सेंटर में
उनके लिए एक प्रोग्राम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो हमेशा अच्छा ही लगता है। ऐसा बेमिसाल है माशाल्लाह, हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं, ईद मिलन होली गुरुपर्व क्रिसमस सब सेलिब्रेट करते हैं, पर अच्छा रहता है, तमाम मज़हब के लोग आते हैं। संदेश तो गुरु नानक देव जी ने जो दिया था, आज उस संदेश की इस हिंदुस्तान को जो वर्तमान हिंदुस्तान है बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे कि नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है, और वो जो भाईचारे का संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया था आज उसकी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा देशवासियों से कि नफरत की बात छोड़ के गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देखिए, बहुत अच्छा है। और गुरु नानक जी ने वहदत का गीत गाया था जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा है, चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। गुरपुरब तो हर साल मनाते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो ननकाना साहब है उसकी चाबी हम मेरे बहनोई के पास है इन पाकिस्तान। एनीवन हु वांट्स, वो कहते हैं कि भाई आप आओ, एंड वी आर द केयर टेकर्स ऑफ ननकाना साहब। सो इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द सिख्स एंड द मुस्लिम्स, इट्स अ क्लोज रिलेशनशिप। सर, हम 553वां प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का यहाँ मना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया है। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर हर साल हमें देखने के लिए मिलती है, इस्लामिक सेंटर में दिखाई देती है, कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील हो रहा है? गुरु नानक देव जी खाली सिख मज़हब के ही गुरु नहीं थे बल्कि वो हिंदुस्तान के गुरु थे। उनकी तालीमात, उनके सफ़र, उन्होंने जिस तरीके से अरब के अंदर अरबी किताबें लिखीं, आज भी उनकी लिखी हुई किताबें इराक और ईरान और अरबी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। मैंने मिस्र में ख़ुद उनकी लिखी हुई किताबें देखी हैं, और उनका जो मकाम भारत में है उससे कहीं ज़्यादा मकाम दुनिया के अंदर उनका मौजूद है, और पूरी दुनिया उनका आदर करती है। उनकी तालीमात अहिंसा को लेकर हमेशा रहीं, आपने हमेशा तमाम समुदाय को जोड़ने की बात कही। सर, प्रकाश पर्व का त्यौहार बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, इस्लामिक सेंटर में प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ हर साल मनाया जाता है, इसके अलावा और भी त्यौहार मनाए जाते हैं? देखिए, आज का दिन के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु नानक देव जी महाराज की वजह से पूरी दुनिया में नूर फैल गया, और उस नूर से पूरी दुनिया की पूरी इंसानियत जो है वो अपने आप को मुस्तफीद और बेनिफिट फील करती है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू एंटायर ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट दिस डे शुड बी सेलिब्रेटेड ग्लोबली बाय ऑल मैनकाइंड्स। विद दिस बेस्ट विशेस आई विल कंक्लूड दिस। तो देखा आपने किस तरह से इस खास प्रोग्राम में गंगा जमुनी तहजीब बखूबी नज़र आती है, तमाम नामी चेहरे, नामी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हमने आपको मिलवाया है और ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रकाश पर्व मनाया गया, 553वां प्रकाश पर्व, और अब जो है यहाँ पर क्रिसमस मनाने की तैयारी हो रही है। ये दिखाता है कि भले ही भारत में अनेकता हो, लेकिन अनेकता में जो एकता है वो इस्लामिक सेंटर में आकर दिखाई देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।